नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के जाने माने विर्क हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज से पहले अगर आपको ओपीडी के लिए करनाल के किसी भी अस्पताल में आना पड़ता था तो आपको पहले हॉस्पिटल में आना पड़ता था, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, यानी कि अपनी पर्ची कटवानी पड़ती थी और उसके बाद ही आप ओपीडी के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन उससे पहले, यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आपको एक लंबी चौड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। उसके अलावा आपको कई घंटों तक वेटिंग करनी पड़ती थी, यानी कि आपके जो वेटिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐप लेकर आई हूँ। ये ऐप आप देख सकते हैं, जो हिसार से इस कंपनी ने इस ऐप की शुरुआत की। हिसार बेस्ड ये कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसका नाम है @24Medicare। @24 मतलब एनी टाइम 24, यानी कि 24 घंटों में से आप किसी भी वक्त घर बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे, आप कहीं पर भी बैठे बैठे इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप ओपीडी के लिए किसी भी शहर में, हरियाणा के किसी भी शहर में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी डॉक्टर को मात्र ₹2 में बुक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी अस्पताल को आप ₹2 में कैसे बुक कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को आप ₹2 में कैसे बुक कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, ओपीडी के यानी कि बुकिंग के लिए जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो मात्र ₹2 हैं। ₹2 में आप किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को बुक करवा सकते हैं। अब इस पूरे ऐप को किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, कहां से इसे इंस्टॉल करेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि ये हिसार बेस्ड कंपनी आज से 3 साल पहले इस @24Medicare ऐप की शुरुआत की गई थी। कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ राजेश जी, उनसे हम पूरी बात करेंगे। सर, एक बार इधर आ जाइए। सर, ये ऐप की आपने शुरुआत की, मुझे तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं घर बैठे बैठे, अपने सोफे पर बैठे बैठे, काम करते करते, लैपटॉप चलाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, कहीं पर भी कैसे भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की आज से 3 साल पहले? मैडम, हम भी अभी पहले कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे, तो भी हमें इन समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता था कि हम अभी कंपनी में काम करें या हम हॉस्पिटल में जाएं, तो काफ़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उसको देखते हुए हमने इसकी शुरुआत करी। जी सर, मुश्किलें बहुत आई होंगी इस यानी कि ऐप को जब आपने शुरुआत किया, उससे पहले आपको भी खुद के लिए मुश्किलें आती होंगी, क्योंकि अगर मैं शहर के लोगों की बात करूं, शहर के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं गांव के लोगों की बात करूं, गांव के लोग क्या करते हैं, अगर सुबह 10 बजे उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने घर के किसी पेशेंट को दिखाना है, तो उसके लिए वो गाँव से भी पहले सुबह 6-7 बजे घर से निकलते थे, उसके बाद यहाँ पर भी उन्हें घंटे लग जाते थे, कई बार शाम होते होते वो सारे दिन का काम छोड़कर यहीं पर बैठे रहते थे। गाँव के लोगों को इससे क्या कुछ सहूलियत मिलने वाली है? जी मैडम, जिस तरह से कोई भी किसी हॉस्पिटल की बुकिंग करने के लिए पहले किसी रिश्तेदार को कॉल किया जाता है, उसके बाद में वो बुकिंग होती है, तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस पेशेंट को एप्लीकेशन को यूज़ करें और अपना समय बचाएं। सर, ये तो हम कह रहे हैं कि ₹2 में आप डॉक्टर को बुक कर सकते हैं, ओपीडी के लिए ₹2 में आप किसी भी हॉस्पिटल को बुक कर सकते हैं, ये ₹2 कौन से चार्जेस हैं और क्यों लोगों को देने पड़ रहे हैं, ये ₹2 के बारे में आप ज़रा हमें बताएं। जी मैडम, ये जो ₹2 का जो चार्जेज है, ये कंपनी का सर्विस चार्ज है मैडम। जिस तरह से आप किसी भी हॉस्पिटल की अगर ₹100 की ओपीडी फीस होती है, तो 102.36 पैसे कटेंगे, 36 पैसे आपका GST रहेगा, ₹2 सर्विस चार्ज है मैडम। ₹2 आपके सर्विस चार्ज है। मुझे ऐसा लगता है ₹2 में आप कोई भी यानी कि हॉस्पिटल को बुक कर रहे हैं, डॉक्टर को बुक कर रहे हैं, ओपीडी के लिए ₹2 में आप बुक कर रहे हैं, तो इससे सस्ता और इससे रीजनेबल कोई प्राइस नहीं हो सकता। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपको करनाल के विर्क हॉस्पिटल में आने, जैसे कि मैं विर्क हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस चाहे ₹50 हो, ₹100 हो, 150 हो, 300 हो, 500 हो या फिर 600 हो, लेकिन इन लोगों के जो चार्जेस हैं, जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं कंपनी के, वो सिर्फ और सिर्फ ₹2 ही रहने वाले हैं। एक अच्छे यानी कि स्कीम के साथ ये पूरी की पूरी ऐप आई है, तो इस ऐप को अपने फ़ोन में कैसे आपको इंस्टॉल करना है, वो अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन खोल लिया है और इसमें ऐप का नाम है @24Medicare, जिसे आप प्ले स्टोर से इजीली खोल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करना है और उसके बाद इसे ओपन करना। ओपन करने के बाद ये आपसे परमिशंस कुछ मांगेगा और उसके लिए आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको इसमें लोकेशन डालनी है, क्योंकि पूरे हरियाणा में आप इस ऐप को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बड़े बड़े शहरों के नाम डालना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अगर सपोज़ रोहतक में कोई हॉस्पिटल देखना है,
किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो मैंने रोहतक डाल दिया, और रोहतक में देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुल चुकी है। मान मल्टी स्पेशलिस्टी ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको अगर मैं खोलती हूँ तो डॉक्टर अमित मान का मेरे आगे नाम सामने आता है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी यानी कि अबाउट अस में आप ये सारा का सारा देख पा रहे होंगे। डॉक्टर किन किन चीज़ों में ट्रीट करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं तो वो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और डॉक्टर का भी नाम आप देख पा रहे हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं। आप लोकेशन फिर से चेंज कर सकते हैं, सिटी का नाम आप फिर से डाल सकते हैं। अगर मैं सिटी में करनाल डालती हूँ तो करनाल डाल के अगर मैं सर्च करूँगी तो अभी आप देख सकते हैं कि विर्क हॉस्पिटल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आपको अलग अलग डॉक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर बलबीर सिंह हैं, डॉक्टर अमनप्रीत सिंह हैं, डॉक्टर अभिनव बंसल हैं, आपको अलग अलग डॉक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा है और उनके पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि आप अपॉइंटमेंट ले सकें, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको मांगा जाएगा। आप रजिस्टर यहाँ से करेंगे, ₹2 जो आपके चार्जेस हैं किसी भी ओपीडी को बुक करने के लिए वो भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यहीं से आप पे भी कर सकते हैं, चाहे आप पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, आप किसी भी यानी कि माध्यम से पूरी की पूरी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपके कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो भी यहीं से इसी ऐप से डिडक्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है, आपको कोई पर्ची गुम होने का डर नहीं है, आपका सब कुछ रिकॉर्ड इसी मोबाइल फ़ोन में होगा, इसी ऐप में होगा। आपको बस डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत आपको डॉक्टर अटेंड करेंगे। तो विर्क हॉस्पिटल से ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नेत्रपाल, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस ऐप के बारे में। इस ऐप से भी आप जुड़े हुए हैं, आपका हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा इससे। नमस्कार। हाँ जी, जो ये ऐप हमारे पास लेटेस्ट आए हैं, इनसे जो हमारा एसोसिएशन हुआ है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि रूटीन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि जी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, भीड़ होने की वजह से 10 o'clock आ रहे हैं, 2-3 घंटा भी कमर वेटिंग टाइम चला जाता है पेशेंट का। इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आप इसको डाउनलोड करके इसमें अपनी ऑनलाइन किसी भी कंसल्टेंट से अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 11 o'clock का टाइम आपका बुक हुआ तो आप निर्धारित समय पर आएँ और अपने डॉक्टर से परामर्श करके अपने घर टाइम से आप बाकी अपना काम निपटा सकते हैं। तो करनाल के अभी कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स हैं जो इस @24 मेडिकेयर ऐप से यानी कि जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इस ऐप से जुड़ना चाह रहे होंगे। तो अगर आपको इस ऐप से जुड़ना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, वरना इस ऐप में जो नंबर दर्शाए जा रहे हैं, जो इस वीडियो के ऊपर आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे, आप उन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर भीड़ देखने को मिल रही होगी। ये करनाल का विर्क हॉस्पिटल नहीं, यानी कि वेटिंग एरिया में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो भी आपको इतनी ही हर हॉस्पिटल में भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको इस वेटिंग एरिया में अपने घंटों बर्बाद नहीं करने तो आप इस हॉस्पिटल यानी कि अगर आप आना चाहते हैं, इसके अलावा आप ऐप से जुड़ सकते हैं और ऐप में आप ओपीडी बुक करवा सकते हैं और किसी भी समय पर आप आ सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा है कि मुझे आज नहीं आना, मुझे कल आना है या फिर मुझे परसों आना है, सैटरडे आप बुक करवा सकते हैं ताकि मैं मंडे सुबह अर्ली मॉर्निंग जा सकूं, तो ये आप करवा सकते हैं इस ऐप के जरिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक सबसे अच्छी बात जो सामने लिखी हुई आपको हॉस्पिटल में भी दिखाई दे रही होगी कि अब घर बैठे अस्पताल की ऑनलाइन पर्ची कटवाएं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा जिन लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के घर में पेशेंट्स हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिनको ओपीडी की समय समय पर यानी कि डॉक्टर की कंसल्टेशन की समय समय पर ज़रूरत रहती है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चों को समय समय पर डॉक्टर्स को दिखाना होता है, उन सब तमाम लोगों के लिए ये ऐप बहुत ही कारगर सामने यानी कि साबित होने वाली है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के जाने माने विर्क हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज से पहले अगर आपको ओपीडी के लिए करनाल के किसी भी अस्पताल में आना पड़ता था तो आपको पहले हॉस्पिटल में आना पड़ता था, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी यानी कि अपनी पर्ची कटवानी पड़ती थी और उसके बाद ही आप ओपीडी के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन उससे पहले यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आपको एक लंबी चौड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था, उसके अलावा आपको कई घंटों तक
वेटिंग करनी पड़ती थी, यानी कि आपके जो वेटिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐप लेकर आई हूँ। ये ऐप आप देख सकते हैं, जो हिसार से इस कंपनी ने इस ऐप की शुरुआत की। हिसार बेस्ड ये कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसका नाम है @24Medicare। @24 मतलब एनी टाइम 24, यानी कि 24 घंटों में से आप किसी भी वक्त घर बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे, आप कहीं पर भी बैठे बैठे इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओपीडी के लिए किसी भी शहर में, हरियाणा के किसी भी शहर में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी डॉक्टर को मात्र ₹2 में बुक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी अस्पताल को आप ₹2 में कैसे बुक कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को आप ₹2 में कैसे बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, ओपीडी के यानी कि बुकिंग के लिए जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो मात्र ₹2 हैं। ₹2 में आप किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को बुक करवा सकते हैं। अब इस पूरे ऐप को किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, कहां से इसे इंस्टॉल करेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि ये हिसार बेस्ड कंपनी आज से 3 साल पहले इस @24Medicare ऐप की शुरुआत की गई थी। कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ, राजेश जी, उनसे हम पूरी बात करेंगे। सर एक बार इधर आ जाइए। सर, ये ऐप की आपने शुरुआत की, मुझे तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं घर बैठे बैठे, अपने सोफे पर बैठे बैठे, काम करते करते, लैपटॉप चलाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, कहीं पर भी कैसे भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की आज से 3 साल पहले? मैडम, हम भी अभी पहले कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे, तो भी हमें इन समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता था कि हम अभी कंपनी में काम करें या हम हॉस्पिटल में जाएं, तो काफ़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उसको देखते हुए हमने इसकी शुरुआत करी। जी सर, मुश्किलें बहुत आई होंगी इस यानी कि ऐप को जब आपने शुरुआत किया, उससे पहले आपको भी खुद के लिए मुश्किलें आती होंगी, क्योंकि अगर मैं शहर के लोगों की बात करूं, शहर के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं गांव के लोगों की बात करूं, गांव के लोग क्या करते हैं, अगर सुबह 10 बजे उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने घर के किसी पेशेंट को दिखाना है, तो उसके लिए वो गाँव से भी पहले सुबह 6-7 बजे घर से निकलते थे, उसके बाद यहाँ पर भी उन्हें घंटे लग जाते थे, कई बार शाम होते होते वो सारे दिन का काम छोड़कर यहीं पर बैठे रहते थे। गाँव के लोगों को इससे क्या कुछ सहूलियत मिलने वाली है? जी मैडम, जिस तरह से कोई भी किसी हॉस्पिटल की बुकिंग करने के लिए पहले किसी रिश्तेदार को कॉल किया जाता है, उसके बाद में वो बुकिंग होती है, तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस पेशेंट को एप्लीकेशन को यूज़ करें और अपना समय बचाएं। सर, ये तो हम कह रहे हैं कि ₹2 में आप डॉक्टर को बुक कर सकते हैं, ओपीडी के लिए ₹2 में आप किसी भी हॉस्पिटल को बुक कर सकते हैं, ये ₹2 कौन से चार्जेज हैं और क्यों लोगों को देने पड़ रहे हैं, ये ₹2 के बारे में आप ज़रा हमें बताएं। जी मैडम, ये जो ₹2 का जो चार्जेज है, ये कंपनी का सर्विस चार्ज है मैडम। जिस तरह से आप किसी भी हॉस्पिटल की अगर ₹100 की ओपीडी फीस होती है, तो 102.36 पैसे कटेंगे, 36 पैसे आपका GST रहेगा, ₹2 सर्विस चार्ज है मैडम। ₹2 आपके सर्विस चार्ज है। मुझे ऐसा लगता है ₹2 में आप कोई भी यानी कि हॉस्पिटल को बुक कर रहे हैं, डॉक्टर को बुक कर रहे हैं, ओपीडी के लिए ₹2 में आप बुक कर रहे हैं, तो इससे सस्ता और इससे रीजनेबल कोई प्राइस नहीं हो सकता। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपको करनाल के विर्क हॉस्पिटल में आने, जैसे कि मैं विर्क हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस चाहे ₹50 हो, ₹100 हो, 150 हो, 300 हो, 500 हो या फिर 600 हो, लेकिन इन लोगों के जो चार्जेस हैं, जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं कंपनी के, वो सिर्फ और सिर्फ ₹2 ही रहने वाले हैं। एक अच्छे यानी कि स्कीम के साथ ये पूरी की पूरी ऐप आई है। तो इस ऐप को अपने फ़ोन में कैसे आपको इंस्टॉल करना है, वो अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन खोल लिया है और इसमें ऐप का नाम है @24Medicare, जिसे आप प्ले स्टोर से ईजिली खोल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करना है और उसके बाद इसे ओपन करना। ओपन करने के बाद ये आपसे परमिशंस कुछ मांगेगा और उसके लिए आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको इसमें लोकेशन डालनी है, क्योंकि पूरे हरियाणा में आप इस ऐप को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बड़े बड़े शहरों के नाम डालना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अगर सपोज़ रोहतक में कोई हॉस्पिटल देखना है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो मैंने रोहतक डाल दिया। और रोहतक में देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुल चुकी है। मान मल्टी स्पेशलिस्टी ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको अगर मैं खोलती हूँ तो डॉक्टर अमित मान का मेरे आगे नाम सामने आता है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी यानी कि अबाउट अस में आप ये सारा का सारा देख पा रहे होंगे। डॉक्टर किन किन चीज़ों में ट्रीट करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं तो वो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
एक और डॉक्टर का भी नाम आप देख पा रहे हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं। आप लोकेशन फिर से चेंज कर सकते हैं, सिटी का नाम आप फिर से डाल सकते हैं। अगर मैं सिटी में करनाल डालती हूँ तो करनाल डाल के अगर मैं सर्च करूंगी तो अभी आप देख सकते हैं कि विर्क हॉस्पिटल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आपको अलग अलग डॉक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर बलबीर सिंह है, डॉक्टर अमनप्रीत सिंह है, डॉक्टर अभिनव बंसल है, आपको अलग अलग डॉक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा है और उनके पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि आप अपॉइंटमेंट ले सकें और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको मांगा जाएगा। आप रजिस्टर यहाँ से करेंगे, ₹2 जो आपके चार्जेस हैं किसी भी ओपीडी को बुक करने के लिए वो भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यहीं से आप पे भी कर सकते हैं, चाहे आप पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, आप किसी भी यानी कि माध्यम से पूरी की पूरी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपके कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो भी यहीं से इसी ऐप से डिडक्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है, आपको कोई पर्ची गुम होने का डर नहीं है, आपका सब कुछ रिकॉर्ड इसी मोबाइल फ़ोन में होगा, इसी ऐप में होगा। आपको बस डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत आपको डॉक्टर अटेंड करेंगे। तो विर्क हॉस्पिटल से ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नेत्रपाल, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? इस ऐप से भी आप जुड़े हुए हैं, आपका हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा इससे। नमस्कार। हाँ जी, जो ये ऐप हमारे पास लेटेस्ट आए हैं, इनसे जो हमारा एसोसिएशन हुआ है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि रूटीन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि जी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, भीड़ होने की वजह से 10 o'clock आ रहे हैं, 2-3 घंटा भी कमर वेटिंग टाइम चला जाता है पेशेंट का। इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आप इसको डाउनलोड करके इसमें अपनी ऑनलाइन किसी भी कंसल्टेंट से अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 11 o'clock का टाइम आपका बुक हुआ तो आप निर्धारित समय पर आएँ और अपने डॉक्टर से परामर्श करके अपने घर टाइम से आप बाकी अपना काम निपटा सकते हैं। तो करनाल के अभी कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स हैं जो इस @24 मेडिकेयर ऐप से यानी कि जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इस ऐप से जुड़ना चाह रहे होंगे। तो अगर आपको इस ऐप से जुड़ना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, वरना इस ऐप में जो नंबर दर्शाए जा रहे हैं, जो इस वीडियो के ऊपर आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे, आप उन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर भीड़ देखने को मिल रही होगी। ये करनाल का विर्क हॉस्पिटल नहीं, यानी कि वेटिंग एरिया में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो भी आपको इतनी ही हर हॉस्पिटल भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको इस वेटिंग एरिया में अपने घंटों बर्बाद नहीं करने तो आप इस हॉस्पिटल यानी कि अगर आप आना चाहते हैं, इसके अलावा आप ऐप से जुड़ सकते हैं और ऐप में आप ओपीडी बुक करवा सकते हैं और किसी भी समय पर आप आ सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा है कि मुझे आज नहीं आना, मुझे कल आना है या फिर मुझे परसों आना है, सैटरडे आप बुक करवा सकते हैं ताकि मैं मंडे सुबह अर्ली मॉर्निंग जा सकूं, तो ये आप करवा सकते हैं इस ऐप के जरिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक सबसे अच्छी बात जो सामने लिखी हुई आपको हॉस्पिटल में भी दिखाई दे रही होगी कि अब घर बैठे अस्पताल की ऑनलाइन पर्ची कटवाएं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा जिन लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के घर में पेशेंट्स हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिनको ओपीडी की समय समय पर यानी कि डॉक्टर की कंसल्टेशन की समय समय पर ज़रूरत रहती है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चों को समय समय पर डॉक्टर्स को दिखाना होता है, उन सब तमाम लोगों के लिए ये ऐप बहुत ही कारगर सामने यानी कि साबित होने वाली है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के जाने माने विर्क हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज से पहले अगर आपको ओपीडी के लिए करनाल के किसी भी अस्पताल में आना पड़ता था तो आपको पहले हॉस्पिटल में आना पड़ता था, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी यानी कि अपनी पर्ची कटवानी पड़ती थी और उसके बाद ही आप ओपीडी के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन उससे पहले यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आपको एक लंबी चौड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था, उसके अलावा आपको कई घंटों तक वेटिंग करनी पड़ती थी, यानी कि आपके जो वेटिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐप लेकर आई हूँ। ये ऐप आप देख सकते हैं जो हिसार से इस कंपनी ने इस ऐप की शुरुआत की, हिसार बेस्ड ये कंपनी है जिसमें आप देख सकते हैं जिसका नाम है @24 मेडिकेयर।
@24 मतलब एनी टाइम 24 यानी कि 24 घंटों में से आप किसी भी वक्त घर बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे, आप कहीं पर भी बैठे बैठे इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओपीडी के लिए किसी भी शहर में, हरियाणा के किसी भी शहर में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी डॉक्टर को मात्र 2 रुपए में बुक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी अस्पताल को आप 2 रुपए में कैसे बुक कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को आप 2 रुपए में कैसे बुक कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, ओपीडी के यानी कि बुकिंग के लिए जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो मात्र 2 रुपए हैं। 2 रुपए में आप किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को बुक करवा सकते हैं। अब इस पूरे ऐप को किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, कहां से इसे इंस्टॉल करेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि यह हिसार बेस्ड कंपनी, आज से 3 साल पहले इस @24 मेडिकेयर ऐप की शुरुआत की गई थी। कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ राजेश जी, उनसे हम पूरी बात करेंगे। सर एक बार इधर आ जाइए। सर ये ऐप की आपने शुरुआत की, मुझे तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं घर बैठे बैठे अपने सोफे पर बैठे बैठे काम करते करते, लैपटॉप चलाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, कहीं पर भी कैसे भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की आज से 3 साल पहले? मैडम हम भी अभी पहले कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे, तो भी हमें इन समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता था कि हम अभी कंपनी में काम करें या हम हॉस्पिटल में जाएं, तो काफ़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उसको देखते हुए हमने इसकी शुरुआत करी। जी सर, मुश्किलें बहुत आई होंगी इस यानी कि ऐप को जब आपने शुरुआत किया, उससे पहले आपको भी खुद के लिए मुश्किलें आती होंगी, क्योंकि अगर मैं शहर के लोगों की बात करूं, शहर के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं गांव के लोगों की बात करूं, गांव के लोग क्या करते हैं, अगर सुबह 10 बजे उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने घर के किसी पेशेंट को दिखाना है, तो उसके लिए वो गाँव से भी पहले सुबह 6-7 बजे घर से निकलते थे, उसके बाद यहाँ पर भी उन्हें घंटे लग जाते थे, कई बार शाम होते होते वो सारे दिन का काम छोड़कर यहीं पर बैठे रहते थे। गाँव के लोगों को इससे क्या कुछ सहूलियत मिलने वाली है? जी मैडम, जिस तरह से कोई भी किसी हॉस्पिटल की बुकिंग करने के लिए पहले किसी रिश्तेदार को कॉल किया जाता है, उसके बाद में वो बुकिंग होती है, तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस पेशेंट को एप्लीकेशन को यूज़ करें और अपना समय बचाएं। सर ये तो हम कह रहे हैं कि 2 रुपए में आप डॉक्टर को बुक कर सकते हैं, ओपीडी के लिए 2 रुपए में आप किसी भी हॉस्पिटल को बुक कर सकते हैं, ये 2 रुपए कौन से चार्जेज हैं और क्यों लोगों को देने पड़ रहे हैं, ये 2 रुपए के बारे में आप ज़रा हमें बताएं। जी मैडम, ये जो 2 रुपए का जो चार्जेज है, ये कंपनी का सर्विस चार्ज है मैडम। जिस तरह से आप किसी भी हॉस्पिटल की अगर 100 रुपए की ओपीडी फीस होती है, तो 102.36 पैसे कटेंगे, 36 पैसे आपका GST रहेगा, 2 रुपए सर्विस चार्ज है मैडम। 2 रुपए आपके सर्विस चार्ज है, मुझे ऐसा लगता है 2 रुपए में आप कोई भी यानी कि हॉस्पिटल को बुक कर रहे हैं, डॉक्टर को बुक कर रहे हैं, ओपीडी के लिए 2 रुपए में आप बुक कर रहे हैं, तो इससे सस्ता और इससे रीजनेबल कोई प्राइस नहीं हो सकता। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपको करनाल के विर्क हॉस्पिटल में आने, जैसे कि मैं विर्क हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस चाहे 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 150 हो, 300 हो, 500 हो या फिर 600 हो, लेकिन इन लोगों के जो चार्जेस हैं, जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं कंपनी के, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए ही रहने वाले हैं। एक अच्छे यानी कि स्कीम के साथ ये पूरी की पूरी ऐप आई है, तो इस ऐप को अपने फ़ोन में कैसे आपको इंस्टॉल करना है, वो अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन खोल लिया है और इसमें ऐप का नाम है @24 मेडिकेयर, जिसे आप प्ले स्टोर से ईजिली खोल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करना है और उसके बाद इसे ओपन करना। ओपन करने के बाद ये आपसे परमिशंस कुछ मांगेगा और उसके लिए आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको इसमें लोकेशन डालनी है, क्योंकि पूरे हरियाणा में आप इस ऐप को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बड़े बड़े शहरों के नाम डालना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अगर सपोज़ रोहतक में कोई हॉस्पिटल देखना है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो मैंने रोहतक डाल दिया, और रोहतक में देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुल चुकी है। मान मल्टी स्पेशलिस्टी ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको अगर मैं खोलती हूँ तो डॉक्टर अमित मान का मेरे आगे नाम सामने आता है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी यानी कि अबाउट अस में आप ये सारा का सारा देख पा रहे होंगे, डॉक्टर किन किन चीज़ों में ट्रीट करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं तो वो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
एक और डॉक्टर का भी नाम आप देख पा रहे हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं। आप लोकेशन फिर से चेंज कर सकते हैं, सिटी का नाम आप फिर से डाल सकते हैं। अगर मैं सिटी में करनाल डालती हूँ तो करनाल डाल के अगर मैं सर्च करूंगी तो अभी आप देख सकते हैं कि विर्क हॉस्पिटल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आपको अलग अलग डॉक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर बलबीर सिंह है, डॉक्टर अमनप्रीत सिंह है, डॉक्टर अभिनव बंसल है, आपको अलग अलग डॉक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा है और उनके पूरे के पूरे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि आप अपॉइंटमेंट ले सकें और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको मांगा जाएगा। आप रजिस्टर यहाँ से करेंगे, ₹2 जो आपके चार्जेस हैं किसी भी ओपीडी को बुक करने के लिए वो भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यहीं से आप पे भी कर सकते हैं, चाहे आप पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, आप किसी भी यानी कि माध्यम से पूरी की पूरी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपके कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो भी यहीं से इसी ऐप से डिडक्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है, आपको कोई पर्ची गुम होने का डर नहीं है, आपका सब कुछ रिकॉर्ड इसी मोबाइल फ़ोन में होगा, इसी ऐप में होगा। आपको बस डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत आपको डॉक्टर अटेंड करेंगे। तो विर्क हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नेत्रपाल, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? इस ऐप से भी आप जुड़े हुए हैं, आपका हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा इससे। नमस्कार। हाँ जी, जो ये ऐप हमारे पास लेटेस्ट आए हैं, इनसे जो हमारा एसोसिएशन हुआ है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि रूटीन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि जी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, भीड़ होने की वजह से 10 o'clock आ रहे हैं, 2-3 घंटा भी कमर वेटिंग टाइम चला जाता है पेशेंट का। इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आप इसको डाउनलोड करके इसमें अपनी ऑनलाइन किसी भी कंसल्टेंट से अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 11 o'clock का टाइम आपका बुक हुआ तो आप निर्धारित समय पर आएँ और अपने डॉक्टर से परामर्श करके अपने घर टाइम से आप बाकी अपना काम निपटा सकते हैं। तो करनाल के अभी कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स हैं जो इस @24 मेडिकेयर ऐप से यानी कि जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इस ऐप से जुड़ना चाह रहे होंगे। तो अगर आपको इस ऐप से जुड़ना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, वरना इस ऐप में जो नंबर दर्शाए जा रहे हैं, जो इस वीडियो के ऊपर आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे, आप उन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर भीड़ देखने को मिल रही होगी। ये करनाल का विर्क हॉस्पिटल नहीं, यानी कि वेटिंग एरिया में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो भी आपको इतनी ही हर हॉस्पिटल में भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको इस वेटिंग एरिया में अपने घंटों बर्बाद नहीं करने तो आप इस हॉस्पिटल यानी कि अगर आप आना चाहते हैं, इसके अलावा आप ऐप से जुड़ सकते हैं और ऐप में आप ओपीडी बुक करवा सकते हैं और किसी भी समय पर आप आ सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा है कि मुझे आज नहीं आना, मुझे कल आना है या फिर मुझे परसों आना है, सैटरडे आप बुक करवा सकते हैं ताकि मैं मंडे सुबह अर्ली मॉर्निंग जा सकूं, तो ये आप करवा सकते हैं इस ऐप के जरिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक सबसे अच्छी बात जो सामने लिखी हुई आपको हॉस्पिटल में भी दिखाई दे रही होगी कि अब घर बैठे अस्पताल की ऑनलाइन पर्ची कटवाएं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा जिन लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के घर में पेशेंट्स हैं जो अक्सर बीमार रहते, जिनको ओपीडी की समय समय पर यानी कि डॉक्टर की कंसल्टेशन की समय समय पर जरूरत रहती है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चों को समय समय पर डॉक्टर्स को दिखाना होता है, उन सब तमाम लोगों के लिए ये ऐप बहुत ही कारगर सामने यानी कि साबित होने वाली है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।